यूं तो प्रार्थना करने के सभी के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, लेकिन मंत्र जाप करना सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि ये मन को बहुत जल्द एकाग्र कर देते हैं। अलग अलग मंत्र जाप से अलग अलग फायदे होते हैं, इसलिए मंत्र जाप करने के लिए भी अलग अलग मालाओं का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं इन मालाओं का क्या महत्व होता है। माला के अपने विशिष्ट गुण होते हैं, इसलिए देव कृपा के लिए अलग अलग मालाओं के साथ जाप किया जाता है। माला में 108 मनकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे शुभ और अनिष्टकारी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। जब से किस माला का क्या प्रभाव होता है, आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव के आंसुओं से बना रुद्राक्ष। भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक पाया जाता है। आंवले के आकार का रुद्राक्ष होता है सर्वोत्तम। रुद्राक्ष माला के जप से पूरी होती है मनोकामनाएं। रुद्राक्ष मनुष्य के लिए भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ एक अनुपम उपहार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुर नामक असुर के वध के लिए महाघोर रूपी अघोर अस्त्र का चिंतन किया, तब उनके नेत्रों से आंसुओं की कुछ बूंदे धरती पर गिरी, जिनसे रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सोमवार का दिन शुभ माना गया है। इस दिन प्रातः काल पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठकर रुद्राक्ष को दूध या गंगा जल से स्नान कराकर धूप बत्ती दिखाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर रुद्राक्ष का पूजन कर लाल धागे या सोने चांदी के तार में भिरोकर शिव प्रतिमा या शिवलिंग से स्पर्श कराकर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से दीर्घायु, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। हल्दी को शास्त्रों में पवित्र माना गया है। इसका संबंध देव गुरु बृहस्पति से बताया गया है। हल्दी की माला के प्रयोग से जागेगा भाग्य। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है हल्दी। हल्दी को हमारे शास्त्रों में पवित्र स्थान दिया गया है। ना सिर्फ ये आयुर्वेद के अंतर्गत बेहद उपयोगी है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र की नजर में भी हल्दी की गांठ अत्यंत लाभकारी होती है। इसका संबंध देव गुरु बृहस्पति के साथ स्वीकार किया गया है। इसे पवित्रता के पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि जिन जातकों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उन्हें अवश्य ही हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये जातक को अच्छा स्वास्थ्य भी देती है और उसके जीवन में आने वाली धन संबंधी परेशानियों को समाप्त करती है। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसका पूरा होना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आपको अवश्य ही हल्दी की माला पहननी चाहिए। भगवान गणेश और बृहस्पति देव की आराधना करने के लिए हल्दी की माला का उपयोग करना चाहिए, इससे वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है स्फटिक। ठंडी प्रवृत्ति का रत्न होता है स्फटिक। स्फटिक माला के जप से माँ सरस्वती होती है प्रसन्न। घर में शुभता लाती है स्फटिक की माला। बीमारियां दूर करता है स्फटिक। स्फटिक माला वैसे तो देखने में अन्य रत्नों की तरह ही होती है और ये देखने में बिल्कुल कांच के जैसा लगता है। ये रत्न बहुत ठंडी प्रवृत्ति का होता है और इसकी खूबी ये है, इसको जितने भी धूप में रखा जाए फिर भी ये गर्म नहीं होता और ठंडा ही रहता है। ये शरीर में धारण किया जाता है। वेद शास्त्रों में इसके इस्तेमाल के बहुत से फायदे बताए गए हैं, जैसे कि इसके इस्तेमाल से बीमारियां ठीक होती हैं। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी और संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की कृपा पाने के लिए
इस माला का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। ठंडी होती है चंदन की तासीर। दो प्रकार की होती है चंदन की माला। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना गया है। सफेद चंदन की माला धारण करने से होती है गय विद्या की प्राप्ति। आसपास होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। दुर्गा जाप के लिए लाल चंदन की माला सर्वोत्तम होती है। मंगल का दुष्प्रभाव करता है कम। चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसका लेप शरीर की जलन और अन्य परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही साथ परेशानियां भी समाप्त करता है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने से मन मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। इतना ही नहीं, सफेद चंदन की माला पहनने से बहुत ही लाभ होता है। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, एक सफेद चंदन, दूसरा लाल चंदन। सफेद चंदन के दानों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें धारण करने से मन मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। अगर आप इस माला पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना भी जल्द पूर्ण होती है। माँ दुर्गा के जाप के लिए लाल चंदन की माला सर्वोत्तम माला मानी गई है। इसके अलावा मंगल ग्रह की शांति के लिए भी लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। लाल चंदन की माला सकारात्मकता प्रदान करती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है और इस वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। इससे मंगल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। सुख समृद्धि के लिए की जाती है तुलसी की पूजा। तुलसी माला में है कई औषधीय गुण। तुलसी की माला पहनने से मिलते हैं सभी सुख। बुध और गुरु ग्रह होते हैं बलवान। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। इसी तरह तुलसी की माला भी धारण करना अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसके कई औषधीय गुण भी हैं। माला पहनने से कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इससे जाप भी किया जाता है। कृष्ण भक्तों के अनुसार तुलसी की माला से जाप करने से आप श्री हरि के और भी करीब जाते हैं। तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर नहीं लगती। कमल के बीजों को कमल गट्टे कहा जाता है। लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला महालक्ष्मी जप के लिए सर्वोत्तम है। माला में 108 या 27 दाने होना आवश्यक। जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर करती है कमल गट्टे की माला। कमल गट्टा कमल के पौधे में से निकलते हैं और काले रंग के होते हैं। कमल पुष्प के बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। कमल गट्टे की माला धन की देवी महालक्ष्मी के मंत्र जाप के लिए उपयुक्त मानी गई है। जिस घर में होता है कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल, वहाँ लक्ष्मी जरूर निवास करती है। माला हमेशा 108 या 27 दाने की होनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टा बेहद उपयोगी माना जाता है। यदि कोई भक्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो कमल गट्टे की माला जरूर पहने। स्पेशल गेस्ट A1 टीवी।